भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आज जयपुर दौरे पर रहे। सुधांशु त्रिवेदी ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कोटा में PFI की रैली को की मंजूरी देने पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। राज्य का विषय है तो ये कह दें मुख्यमंत्री महोदय कि कानून व्यवस्था मेरे बस की नहीं है और यह सारी बात मैं केंद्र को कर रहा हूं, तो उसके बाद उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। और राजनीतिक पक्ष क्या है, इसी जयपुर में महंगाई पर रैली हुई थी, आपको याद होगा, 6 महीना पहले महंगाई पर रैली हुई थी, जयपुर में हुई थी, और उसमें भाषण उत्तर प्रदेश पे हुआ था और 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व में भाषण हुआ था महंगाई की रैली में। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि विषय को विषयांतर कौन करता है, और विषयांतर करते करते इतना विश्वमन कर देते हैं कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच में ऐसा वैमनस्य हो जाता है कि सर काटने जैसी घटनाएं इस राजस्थान की धरती पर होने लगती हैं। तो मेरे विचार से इसका प्रश्न और उत्तर दोनों यहीं जयपुर से निकल रहा है, चूंकि आपने देखा कि PFI एक ऐसा संगठन है जो 2-3 बार अपने नाम बदल चुका है, तो यह व्यवस्था अब सुनिश्चित की जा रही है। UAPA एक्ट में संशोधन किया गया है कि व्यक्तियों को आतंकवाद के लिए नियत किया जा सके, वरना संगठन बदल के लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। परंतु यहाँ विषय ये महत्वपूर्ण है, यदि कोटा में PFI को अपनी रैली निकालने की परमिशन दी जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विचार क्या है।